साई केतन बार बार घर में झगड़ा कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। इस पर एल्विश यादव ने परेशान होकर साई केतन को फिर से आड़े में लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी एल्विश यादव साई केतन को वार्निंग दे चुके हैं कि अपना हाथ संभाल के रखो। अब बिग बॉस से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जिस तरीके से साई बार बार धक्का दे रहा है, ये बहुत गलत है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पर देखिए एल्विश यादव ने क्या कहा उनकी टीम को, यानी कि साई की टीम को और बिग बॉस की टीम को। आपको बता दें कि इस वीकेंड के बार पे एल्विश यादव आने वाले हैं घर के अंदर। चलाना बीच बीच में से पूरा कट करके मैं चलाना। साई केतन भाई, मैंने आपको नोटिस किया कि आप बहुत हाथ चलाने लग गए हो। मैं चीज़ बताता हूँ कि पहली बात तो बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट है वो ना, कि आप पुश कर रहे हो। मैंने आज एपिसोड में देखा, माँ कसम मैं इन चीज़ों को मैं सोचता हूँ नॉर्मल चाहिए, धक्का ही था, बट वो ज़्यादा कर रहा है। एक चीज़ होती है, तो कभी कभी लग गया वो धक्का लग गया, अरे क्या है ऐठबाजी, हर बार ही अच्छा लगता है, धक्का मार दिया। अगर अलाउड होता करो भाई, मार पिटाई मचाओ, किसी को धूल चटाओ, नोबडी केयर्स। बट बिग बॉस से मैं अपील करना चाहता हूँ, इफ कोई बिग बॉस में से देख रहा है मेरा जानकार, तो भाई यार उसको उसको कम से कम बोलो तो एटलीस्ट कि भाई ये सब मत करो। अगर ये सब करना है तुम ये बाहर जाके करो, और कोई कैमरे में वीडियो बनवाओ किसी और से, ठीक है? ये घर के अंदर तो अच्छा भी नहीं लग रहा। दूसरी बात भाई, कटारिया के ऊपर चढ़ रहा था दोबारा, और विशाल पे भी चढ़ रहा था, अदनान पे भी धक्का मुक्की चढ़ रही थी, मतलब एक्टिव हो गया उसको, वो चाहिए फुटेज। एक्टिव नहीं, साई केतन राव इज अ वेरी गुड एक्टर, बाहर नहीं घर के अंदर, जहां उसे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, जहां पे रियल। मैं सारा बोलता भी ऐसा लगता है कोई डायलॉग मार रहा यार, वो कहाँ है यार? मेरे को भाई बस एक चीज बता दो, ऐसा नहीं करता हूँ। अरे किधर है वो यार? अरमान जी आप उसको समझाते क्यों नहीं? अरमान जी ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं देख रहा, मैं कहा ये सारा उसकी असली पर्सनैलिटी भाई बहुत डार्क मिलेगी। एंड नो बडी केयर्स अबाउट एनी बडीज पास्ट, एनी बडीज स्टोरी। हम अंदर होते कटार से तो माफी मांग ली, चलो फिर भी ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे जैसा आदमी तो माफी नहीं मांगता भाई, क्योंकि गाली पहले साई केतन ने बकी थी, समझ रहे हो ना? मेरे को अभी आपको वो समझ आया कि इसने टी शर्ट अपनी वो क्यों उतारी थी? एक चीज़ हाँ मेरे याद आ गई, सही पॉइंट याद दिला दिया आपने, उसने शर्ट उतारी, माइक नहीं उतारा।